नमस्कार, मैं अदिति गुप्ता आपका एजुकेशन वर्ल्ड ईडब्ल्यू यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत करती हूँ। चलिए एक्साइज के पेपर में डिजिटल लिटरेसी के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं फ्रॉम 31 to 40। पहला क्वेश्चन, 31st क्वेश्चन जो है आपके पेपर का, डेवोरैक इज यूज्ड इन रेफरेंस टू प्रिंटर, मॉनिटर, माउस और कीबोर्ड। सो वी ऑल नो कि जो डेवोरैक है इट इज अ टाइप ऑफ कीबोर्ड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। 31st का ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। ओके, 32nd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू मेमोरी इन योर कंप्यूटर। तो हम सब जानते हैं, मैंने आपको लेक्चर्स में भी बताया था, मेमोरी हमारे पास रैम, रोम, पी रोम, ई प्रोम, तो ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, विच इज रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। 33rd, अ टाइप ऑफ प्रोग्राम दैट इज इंस्टॉल्ड इन योर पर्सनल कंप्यूटर टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट। तो ऐसा प्रोग्राम जो आपके अपने कंप्यूटर में लगाया जाता है ताकि जो आपके कंप्यूटर पे काम कर रहा है उसकी सारी इंफॉर्मेशन मिलती जाए। सो इन शॉर्ट, जासूसी करी जाए। तो जासूसी के लिए हमारे पास कौन सा होता है प्रोग्राम? स्पाईवेयर। स्पाई का इंग्लिश में मतलब ही ये होता है कि किसी की जासूसी करना, किसी पे नजर रखना। तो वहां से ही ये वर्ड उठाया गया और इसका नाम रखा गया स्पाईवेयर। तो 33rd का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, विच इज स्पाईवेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34। इन अ कंप्यूटर आईएसपी स्टैंड्स फॉर। तो हमने आईएसपी की फुल फॉर्म ऑलरेडी करी हुई है। आईएसपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगर आप मेरे पुराने लेक्चर्स देखें तो हम आईएसपी ऑलरेडी कर चुके हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल्स वाले चैप्टर में। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, विच इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। सो 34th का करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। 35th, Dash is a collection of web pages and Dash is the very first page that we see on opening of a website. तो जो collection of web pages है उसे हम website कहते हैं, क्योंकि home page गलत है, web page तो खुद का collection हो ही नहीं सकता। तो इसमें हमारे पास correct option है website and Dash is the first page that we see on opening of website which is home page. तो 35th का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, वेबसाइट कॉमा होम पेज। नेक्स्ट 36th क्वेश्चन, बैंडविड्थ रेफर्स टू। बैंडविड्थ होता है बेटा हमारा कम्युनिकेशन चैनल में कितना डेटा निकल सकता है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, द अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू अ कम्युनिकेशन चैनल। नेक्स्ट, एन एग्जाम्पल ऑफ पेरिफेरल इक्विपमेंट। हम लोग ऑलरेडी पेरिफेरल्स कर चुके हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, प्रिंटर। सीपीयू, माइक्रो कंप्यूटर, एएलयू, दे आर नॉट पेरिफेरल इक्विपमेंट्स। हमें कोई ऐसा डिवाइस जो एक्सटर्नली कंप्यूटर से कनेक्ट हो रहा है उसका क्या है सही ऑप्शन? प्रिंटर। ओके, नेक्स्ट इज 38th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द फास्टेस्ट डेटा ट्रांसमिशन स्पीड। तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, स्पीड के यूनिट क्या होते थे? बिट्स पर सेकेंड। तो बिट्स पर सेकेंड इज बीपीएस, बी इज जीएचपीएस विच इज गीगा, सी इज किलो एंड डी इज मेगा बिट्स पर सेकेंड। तो जीपी, तो इसमें हमारे पास किलो होता है 10^3 यानी कि 1000, मेगा होता है 10^6, गीगा होता है 10^9। तो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट किस में हुआ? जिसमें ज्यादा डेटा ट्रेवल करेगा, विच इज ऑप्शन नंबर बी, विच इज जी गीगाबाइट पर सेकेंड, GBPS। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 39, फंक्शंस इन एमएस एक्सेल मस्ट बिगिन विद विच साइन। तो हमें पता है जो एमएस एक्सेल होता है उसमें सारे फंक्शंस इक्वल टू साइन से बिगिन होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, विच इज इक्वल टू। लास्ट क्वेश्चन, विच की कैन बी यूज इन व्यू टू व्यू स्लाइड शो इन एम एस पावर पॉइंट। हम पावर पॉइंट कर चुके हैं कि हमारे पास जो स्लाइड शो होता है अपने आप स्लाइड आगे चलती जाए,
अगर हमें फंक्शन कीज यूज करनी है तो उसके लिए करेक्ट फंक्शन की कौन सी है? F5। तो 40th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो मैं आशा करती हूँ आप सब इस पेपर में अच्छे फ्लाइंग कलर से बाहर आए, अच्छे अच्छे आपके नंबर आए, आप पास हुए, क्लियर करें पेपर को अच्छे मार्क्स से। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।